अगर आपका भी किसी बैंक में अकाउंट है तो इस जानकारी को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले महीने से बैंक के कई रूल्स बदलने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका बैंक आपसे कई चीजों पर पैसे वसूलता है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि SMS सुविधा, मिनिमम बैलेंस, ATM व चेक के इस्तेमाल तक पर बैंक आपसे पैसे वसूलता है। लेकिन अब ग्राहकों को बैंकों में अपना पैसा जमा करने और निकासी के लिए भी फीस देनी पड़ेगी। इसकी शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर दी है। बैंक ऑफ इंडिया, PNB, एक्सिस और सेंट्रल बैंक इस पर जल्द ही फैसला लेंगे। अगले महीने से यानी नवंबर 2020 से तय समय सीमा से ज्यादा बैंकिंग करने पर ग्राहकों को अलग से शुल्क देना होगा। मालूम हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने चालू खाते, कैश क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट खाते से पैसे जमा और निकालने के अलग व बचत खाते से जमा निकासी के अलग अलग शुल्क निर्धारित किए हैं। अगले माह से ग्राहक लोन खाते के लिए महीने में 3 बार के बाद जितनी बार भी पैसा निकालेंगे उन्हें ₹150 देने होंगे। बचत खाते की बात करें तो ऐसे खाता धारकों के लिए 3 बार तक जमा करना फ्री होगा, लेकिन अगर ग्राहक ने चौथी बार पैसे जमा किए तो उन्हें ₹40 देने होंगे। इतना ही नहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बैंकों ने कोई राहत नहीं दी है। जनधन खाता धारकों को इसमें थोड़ी राहत मिली है, उन्हें जमा करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन निकालने पर ₹100 देने होंगे। CC चालू व ओवरड्राफ्ट खाता धारक अगर प्रतिदिन ₹1,00,000 तक जमा करते हैं तो यह सुविधा निःशुल्क होगी, लेकिन इससे ज़्यादा पैसे जमा करने पर बैंक आपसे पैसे वसूलेंगे। ऐसे खाता धारकों के 1,00,000 से ज़्यादा जमा करने पर ₹1,000 पर ₹1 चार्ज देना होगा। इसके लिए न्यूनतम व अधिकतम सीमा क्रमशः ₹50 और ₹20,000 है। अगर CC चालू व ओवरड्राफ्ट खातों से एक महीने में 3 बार पैसे निकाले जाते हैं तो ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। चौथी बार निकासी पर प्रत्येक विड्रॉल पर ₹150 का शुल्क लगेगा। बचत खाता धारकों के लिए 3 बार तक जमा निःशुल्क रहेगा। हालांकि चौथी बार से खाता धारकों को प्रत्येक बार पैसे जमा करने पर ₹40 देने होंगे। निकासी की बात करें तो प्रत्येक माह में 3 बार खाते से पैसा निकालने पर ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन चौथी बार से ग्राहकों को हर बार ₹100 का भुगतान करना अनिवार्य होगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।